तो हमारा तो ये थोड़ी नहीं है, बहुत है। यहाँ का जो कथा है पहले सुनो, तब आप लोग के साथ कुछ झील तो हमारा परिवार ना कुछ शास्त्र चर्चा करें। रूप गोस्वामी जो यहाँ भक्ति सिंधु आदि ग्रंथ रचना किया, समय अभाव में आप लोग साथ लीला कथा सुन के चले जाते हैं। आज लीला कथा हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ का जो लीला कथा है ये श्री कृष्ण भगवान के गोचर लीला भूमि, उन्होंने यहाँ गौ चराया करे। आज भी शास्त्र में प्रमाण है, वृंदावन परित्यजं पादेकं न गच्छति। भगवान एक शरीर में बिंदा देवी के वचन दियो, ये एक शरीर में हम वृंदावन जुड़े रहेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे। किया था नहीं है हमारा शास्त्र में, आज भी टेरकद में गौ चराते हैं। हमारा 365 दिन गोचरण लीला, यदि गोपाल जी दिन के मुख्य लीला माना जाते हैं। नला गौ कन्हैया को है, उसी समय गौ चरने वाले सबके बड़े पूज्य श्री लक्ष्मी श्री, जिस गांव में ज्यादा गौ है ऐसा हम गुरु वर्ग के सुने हैं, उस गांव में ना बेटी दिया जाता है, वो गांव में ज्यादा साधु रहते थे। अबे भगवान जाने क्या हो रहे हैं ना हो रहे। और जिस घर पे भी ज्यादा गौ है उस घर पे बेटी दिया जाता है। ये दो चीज है, साधु और बेटी, अब लोग समझ गया होगा। अभी दुर्भाग्यवश क्या मामला चल रहा ना जाने, तो जो सो हम पुराना से पुराना कथा के अंदर प्रवेश करें। नला गौ जब ले आए, ये सभी जंगली जंगल, अभी अभी सत्संग के नाते आज से 50 साल के अंदर से शुरुआत है, क्योंकि चैतन्य महापुरुष स्वरूप गोस्वामी के एवं उनको जो अनुगामी को कहा, तुमने ब्रज में जाओ भजन करो, लेकिन चार सेवा जरूर करना। एक अव्यक्त वस्तु को व्यक्त करना, लुप्त तीर्थ के प्रकाश करना, विकास करना, प्रेम से ठाकुर जी की कथा लिखना, प्रचार करना। ये रूप गोस्वामी उनके अन्नतम है, और उस रूप गोस्वामी हम लोग को अनुगामी है, उनको हम लोग सब रूपानुगा, क्योंकि रूप से कृपा हो तब के ब्रज के जो लीला है, ब्रज की जो भाव है, उस भाव के अंदर प्रवेश हो सकते हैं। घटना क्या है, उसी जमाने में गौ चराने वाले सबसे बड़े IAS ऑफिसर माने जाते हैं पूज्य श्री लक्ष्मी श्री। तकना के नल लग गौ गोपाष्टमी दिन पहले क्या किया, गोपाल उनको कहा जाता है जो सुबह जाग के गौ को सेवा करेंगे, मतलब प्रणाम करेंगे। पहले नंद बाबा गोपाष्टमी संग कृष्ण को गौ को पूजन करवाई, फिर भी क्या क्या उनको जंगल में घास आदि खिलाने के लिए उनको जंगल में ले आए, फिर भी क्या क्या लड्डू रख के क्या लगते हैं, एक हाथ में लगोटी एक हाथ में बंसी, लगोटी के ही काम है गौ को पिटाई नहीं है, सिर्फ जंगली जो उस गौ को जो नुकसान पहुंच सकते हैं उनको रखा के लिए, आप बंसी बुलाने के लिए। तो घटना जो है नल्ला गौ के नाते करने के बिचारे हमारे जो सखा मंडली आए छोटे छोटे, 7 साल उम्र में कन्हैया गौ चराबे, गोविंद लीलामृत जो ग्रंथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचना किया उनमें वर्णन है 5 से 12 साल के सब उनके सखा मंडली। कन्हैया कुर्तुम अकुर्तुम सर्व कुर्तुम, तब भी कन्हैया की जो सखाओं के जैसे आनंद लेने के लिए एवं देने के लिए वो क्या क्या अपने बंसी बजा देते हैं, ये हम लोग आनंद लेते हैं। कन्हैया का मोबाइल टेलीफोन एक ही नंबर इनको है सब 0, और एक ही हीरो हमारा कृष्ण कन्हैया, नॉट ओनली ब्रजमंडल ऑल वर्ल्ड फेमस हीरो, आप लोग पता है ना, जितने भी दुनिया के हीरो देखा जाए, जितने भी कलाकार देखा, सब अंतिम में 0 होते हैं। और जो लोग विशेषकर गुरु वैष्णव को सताते हैं ना, वो तो जल्दी जल्दी 0 हो जाते हैं, हमारा तो बात नहीं है। आप लोग जानते हैं जगाई माधाई आदि के भांति, बड़े बड़े उसूल कंस के भांति, रावण कुंभकर्ण के भांति, क्या क्या किया, रामानंद कैसे देखा होगा, कंस ने क्या कहा, साधु को बैल के छोड़ के साधु को लगा दिया खींचो, क्या परिणाम हुआ, सोचो तो हम लोग क्या कर रहा हूं, क्या करने हैं। आजकल के सबके बर्दे सोच विचार करके कुछ भी करना, पहले सोच लो फिर भी विचार करो, फिर भी आचार करो, फिर भी काम करो, आचार विचार करो दुई कार्यो, तुम्ही जगतेर सर्व आचार्य, ये अद्वित आचार्य के ऊपर चैतन्य महापुखा, तुम अद्वित आचार्य, आचार पहले करो,
विचार करो तारपर लोक को सिखाओ। तो कन्हैया तुरंत जो शक आए नहीं उनको टेल लगाते हैं, अरे भैया दाम सीदाम हाँ कना कान खोल के सुन ले रे, आज से ना जंगली खेलेंगे गोई भी चरेंगे सब चले आना। ये हो लो टेल मैंने बुलाना, अपने दिल की आवाज की तरह दिलदार को बुलाना। जगत के हम लोग बुलाते बुलाते थक गए, कितने 84 लाख बुलाते बुलाते अंतिम मनुष्य जन्म मिले है ना, हम लोग पता है 84 लाख के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। हर जोनी में हम लोग कोई ना कोई किसी को बुलाते है, चाहे जानवर हो चाहे कोई पशु हो, कोई चिड़िया भी हो कोई मनुष्य भी हो वो भी देवता हो, सबको आगे को बुलाना पड़ता है। लेकिन हमारा रूप गोस्वामी जो भक्ति रस में सिंधु लिखे ना उनके एक ही आवाज है, ऐसा बुलाओ जो बुलाने वाले तुम्हारा बुलाने से वो भी तुम्हारा बुला ले। सबको दिलदार कौन है, कृष्ण का नहीं है ना, मेरे कथा नहीं है। गीता में बोलते ईश्वर सर्वभूतनं हि देश अर्जुन तिष्ठति, सब प्राणी के हृदय में मैं हूं, लेकिन जो प्राणी भजन करते हैं ना उनको हृदय में कहते हैं विश्राम करते हैं आराम करते हैं, और दुष्ट के हृदय में कैद में रहते हैं कब वो मर जाए और वो कब राम राम सत्य हो जाए, अंतर यही है। तो कन्हैया सखाओं को टेल लगा दिया, तुरंत सब सखा यहाँ खेलने के बहाना से गौ चराने के बहाना से पहुंच जाए। आते सर सबके मामी अमरम ने साफी में बांध दे, लाला ये तुम्हारा दोपहर के भोजन, भूख लगे तो खा लेना। जंगल प्रधान अभी अभी संत के द्वारा ये सब निर्मित हुआ, बाहर की जो बाउंड्री हाँ सरकार हाथ लगाया, भीतर की जो सेवा साधारण तो संत के द्वारा सेवित है। ये संत भूमि है, ब्रजमंडल सभी उसी भाव से पहले से चल रहे हैं। आज सबके महान संत ये जब कन्हैया को भोजन सामग्री सखा ले आए, कन्हैया के पीछे कन्हैया कहाँ रखो रे, ध्यान रखना पाते कन्हैया गए मैं तो वृंदावन वासी बन के लता पता मेरे उपासी, लता पता एक्चुअल परमानेंट ब्रजवासी माने जाते हैं, वृंदावन है ना है? बन में कौन रहते हैं, यदि आजकल बहुत हम भी रहे आप भी आ सकते हो मकान बना सकते रह सकते हो, लेकिन एक्चुअल वृंदावन वासी तो जंगल प्रधान बोले तुम लोग इस पेड़ में हवेली करते अपने अपने भोजन सामग्री, तो इस पेड़ में सब टांग के रखे हर एक प्रकार खेल कूद करते रहे, कोई ना धो का नहीं पिछले कृष्ण बलराम कुंड में ना ले कोई कुछ खेले, गौ तो आगे निकल जाए, ये गौ साधारण गौ नहीं है, एनिमल्स नहीं है, जगत यानी जगत पूज्यो, जिसके नाते कन्हैया को हम लोग प्रणाम करते हैं ना, नमो ब्राह्मणो देवायो गो ब्राह्मण्य हिताय चो जगोधीताय कृष्णायो गोविंदाय नमो नमो। ये गोविंद कौन है, हमारा रूप गोस्वामी डिटीज रूप गोस्वामी जो सेवित विग्रह गुमाटीला में जो साक्षात उनको वृंदावन से प्रकट हुआ उनके सेवित विग्रह ना प्रकट विग्रह, और वही गोविंद अभी जयपुर में सेवा चल रहे है, और वही गोविंद जो प्रकट तो रूप गोस्वामी के ये भजन स्थली है। तो सब यहाँ टांग के रखे हर कमर खेल कूद करे, दोपहर हो जाए सबको भूख लग जाए, सखाओ तो गो माता तुम वहाँ भोजन कर ले, हरा भरी वृंदावन है, सखा सब मिल के यहाँ भोजन करे। आप लोग सब चीज़ जानते हैं कहने का पियर भोजन माखन, माखन तो चाहिए ही चाहिए है, अरे माखन गोपी के पास रहते हैं, गोपी माना बनाती है, एक बार मालिक भी गोपी हैं, तुरंत क्या किया वो गोपियों के लिए बंशी बजा दी, ललिता अभी सका हाँ कना मेरे भूख लग गया माखन चाहिए चाहिए तो घर पे आ जा भाई, तेरे लिए तो माखन रखा है, दोपहर हो गया हम बाट देखते थक भी गया हाँ, सासू जाने भी नहीं दे। गोपी संग शादी शुदी माने जाते हैं, जिसको पोती देव और कृष्ण और परम पति जो संबंध हो गया, कृष्ण सबको परम पति, इसीलिए कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ एक नाम गोपीनाथ एक नाम जगत पति, माने ना माने ओ सबको परम पति। तो तुरंत क्या किया गोपिया माखन के साथ बहुत पकवान ले आवे, दोपहर यहाँ भोजन करावे, और गोपी जब आती हैं क्या कहते हैं यहाँ आकर के, आज भी गोपाष्टमी एक पद यहाँ समाज गायन होते हैं ज़्यादा लंबी नहीं है, तब भी हम दो कली सुनाएंगे। आगे आवरी छाकी आरी
मैया सबेरे सबेरे छाक भेजी तू किदरी और साधक मध्य भोजन सामग्री। गोपी आकर कहे अहो गोपाल गेल बन भूली सुनी ना टेर तुम्हारी जब तुम टेरे तब हमारी हम जंगल रास्ता पतो नहीं लगे और तुम टेर नहीं लगाया अभी अभी तुम टेर लग हम लोग चले आए। इस कारण हम लोग बोलता जिस दिन जिसको मनो टेर लगावे वो यहाँ आने के दर्शन के लिए सत्संग के लिए मौका मिलते हैं और इसके बहाना से कोई भी कुछ भाव से आ जाते हैं वो जाने उनको कम जाने। तो गोपी बड़े प्रेम से कहे कल से सवेरे सवेरे टेल लगाना बड़े कष्ट पाए दुपहर में लगाया इनके सवेरे का भाव है भाव के भूखे भगवान है ना सवेरे माने छोटी अवस्था में तेरे चरण में मेरे शरण ले लेना बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। आए थे 86 में पहले यहाँ कच्चा था अभी पक गए लेकिन भजन पक्के नहीं भजन आज भी कच्चा है। तो इसी प्रकार कहने के ही बाब है जुआने में भजन होते हैं प्रहलाद महाराज उपखंड के बोल दिया कुमारच आतचक पक गो ठीक है ना। तो सायंकालीन समय क्या होता है नाला को इकट्ठ करना कदम चुरी कानू बुलावत गैया करी कमर धुरी धुमर अफर को देखा गैया नाला को सब यहाँ जाए कन्हैया खड़ लौट जाए ये लीला संकुप्त लीला यहाँ है। आज भी इस गाँव से वहाँ एक गौ माता बनवा राजमंडल है ये गोपाष्टमी समाज वहाँ गायन होता है पहले तो टूटे फूटे था फिर भी बड़े सुंदर बना दिया आज गोमा माता भी रख दिया। एक गौ माता कुछ खाते पीते नहीं इसीलिए वहाँ लेके है वो दान माना है कुछ भी दान यहाँ दान में क्या होते है सदे जाना पड़ता है ना पुण्य होते हैं है? अखिने पुण्य मतलब निवेशन थे जब दान करते पुण्य होते हैं ना उनको फिर भी धर्म करके दे जाते हैं। हमारे गुरु के पाप अच्छी बात है संत लोग उनको उठाएंगे बोले सुनो भजन करो पाप छोड़ो सेवा अलग चीज है समझ लेना भगवान एवं भक्त के जो प्रेम से जो कुछ उनको अर्पित होते हैं होते हैं सेवा। हाँ बेटा एक मिनट आप लोग समय था आप लोग तो थोड़ा कुछ ले ले तो जाओ हर समय आते हो खेत तो अंत ले तेरू को समी ये लीला दर्शन करते आज भी उन्होंने यहाँ भजन करते हैं यहाँ जब भजन करे सनातन गुस्से में आए थे उनके विचार आए थोड़ा अच्छे प्रसाद होते तो इनके खिलाए स्वयं राधा ने इनके लिए खीर बना करके खिलाई वही प्रसाद हमारा हो सके भोग लग गए एक एक बुद्ध राजेश